के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 26 जुलाई यानी कि कारगिल दिवस, पूरे देश में आज कारगिल दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन 17वें कारगिल दिवस पे सभी देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहादुर सैनिकों की शहादत को याद करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस के मौके पर मैं उस हर एक बहादुर जवान के सामने सिर झुकाता हूँ जो आखिरी सांस तक भारत के लिए लड़ा। रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख ने नई दिल्ली में अमर जवान ज्योति पर कारगिल के नायकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, भारत उन सैनिकों की निडरता को कभी नहीं भूलेगा जिन्होंने घुसपैठियों को हमेशा के लिए सबक सिखाते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया था। मोदी ने इस अवसर पर दृढ़ राजनीतिक नेतृत्व देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार की भी तारीफ की। मोदी ने कहा कि मैं भारत के राजनीतिक नेतृत्व की दृढ़ता को हम गर्व से याद करते हैं, इसी से कारगिल में भारत को निर्णायक जीत मिली थी। इस बीच सेना के अधिकारियों और कारगिल में शहीद हुए वीरों के परिवार वालों ने जम्मू और कश्मीर के द्राश में विजय दिवस के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। 1999 में मई जुलाई के बीच नियंत्रण रेखा से लगे कारगिल में भारत और पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ था। कारगिल सेक्टर को घुसपैठियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया था। पाकिस्तान से आए घुसपैठियों में उसकी फौज के लोग और आतंकवादी दोनों शामिल थे। बिहार के जमुई जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 5 कांवरियों की मौत हो गई जबकि 7 अन्य जख्मी हो गए। सूचना मिलते ही पास के ही लोग इकट्ठा हो गए और सभी घायल कांवरियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के जमुई में मंगलवार को हुए एक सड़क हादसे में 6 कांवरियों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना चकाई जमुई रोड पर हुआ जब कांवरिया सड़क के किनारे बैठकर आराम कर रहे थे। इसी दौरान पेट्रोल पंप के पास तेज गति से आ रहे ट्रक ने कांवरियों को अपना शिकार बनाया। इस दुर्घटना में 6 कांवरियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि आधा दर्जन कांवरियों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी घायलों को इलाज के लिए जमुई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब वो जीप के खराब होने के बाद सड़क पर बैठकर आराम कर रहे थे। घटना के बाद लोगों के मुताबिक जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त पुलिस ने ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक पूरी तरह से बेलगाम हो चुका था। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे कामशेड टनल के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें एक इंजीनियर के छात्र की मौत हो गई जबकि एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। हादसा इतना भीषण था कि 5 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जबकि घायल छात्र का पास के अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक घटना सुबह तकरीबन 4 बजे की है। मुंबई से पुणे जा रही मारुति की सियाज कार दुर्घटना का शिकार हुई। गाड़ी का नंबर MH 14EU 7038 है। छात्रों की मौत के बाद इनके घरों में मातम का माहौल है। यह दुर्घटना कामशेद से 1 किलोमीटर की दूरी पर हुई। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास 97 सेक्टर में सुरक्षा बलों ने मंगलवार को 4 आतंकवादियों को मार गिराया। एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने जिंदा पकड़ लिया। सेना के अधिकारी ने बताया नौगाम सेक्टर में ऑपरेशन के दौरान 4 आतंकी मारे गए जबकि एक को जिंदा पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि सभी आतंकी विदेशी हैं। मुठभेड़ अभी भी जारी है। अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, इसीलिए कहना जल्दबाजी होगा कि यह घुसपैठ का प्रयास था या नहीं। उन्होंने कहा, हमने उनमें से एक को जिंदा पकड़ा है और उससे महत्वपूर्ण जानकारी की उम्मीद है। सुरक्षा बलों ने पिछले दिनों भी एक आतंकी को मार गिराया था। कश्मीर में हिजबुल कमांडर बुरहान बानी के मारे जाने के बाद से कर्फ्यू लगा हुआ है। बानी 15 दिन पहले मारा गया था, इसके बाद से घाटी में तनाव है। शीला दीक्षित को लेकर यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। उन्होंने 78 साल की शीला दीक्षित को यूपी में मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है। यूपी में कांग्रेस ने जब से शीला दीक्षित को सीएम उम्मीदवार घोषित किया है तब से इस माहौल में उनके बेटे और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को खुश होना चाहिए कि मां दिल्ली की सीएम रही, अब यूपी की सीएम भी बन सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अपने ब्लॉग में संदीप दीक्षित ने भड़ास निकाली है। राहुल गांधी अजय माकन पर निशाना साधा है। संदीप ने कहा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि मैं बागी स्वभाव का हूं। संदीप दीक्षित ने संकेत दिया है कि वो विकल्प की तलाश में है लेकिन कहा, संदीप दीक्षित ने अपने ब्लॉग में लिखा, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के बारे में मुझे बताया गया है कि बागी स्वभाव के कारण मुझे पसंद नहीं किया जाता। मैं क्या करूं, दिल्ली कांग्रेस में ऐसे नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
जिसका पूरा जोर शीला दीक्षित को खारिज करने पर रहा हो। विकल्प के बारे में संदीप दीक्षित ने लिखा, अब विकल्प बचता है बीजेपी या आप। आप में ऐसे व्यक्तियों का नेतृत्व है जिसने शीला दीक्षित पर गलत आरोपों से हमले किए। अब मैं ऐसे मवेशी की तरह घास की तलाश करूंगा जहां मुझे सम्मान मिले, मेरा आत्मसम्मान बरकरार रहे। बीजेपी के बारे में संदीप दीक्षित ने लिखा, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां सिर्फ एक व्यक्ति को ही पूजा जाता है। मैं लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला हूँ। दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां एक व्यक्ति को सड़क पार करते वक्त एक कार ने रौंद दिया। मामला रात तकरीबन 10:30 बजे का है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि कार का नंबर प्लेट घटना स्थल पर ही गिर गया। कार का नंबर DL13CC2746 है। मौके से पुलिस को एक पर्स भी पड़ा मिला है, लेकिन फिलहाल ये जांच की जा रही है कि क्या ये पर्स उसी कार सवार का है या किसी और का। हालांकि मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। तो फिलहाल देश विदेश में आज के लिए बस इतना ही। समय के साथ चलते रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24। धन्यवाद।